हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बुक। इस बुक में ये दिया गया है कि जब बच्चा हमारा 2 से 3 साल के बीच में होता है तो हम पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हम उसे लिखना सिखा दें। तो इस बुक में ये सारे पैटर्न्स दिए गए हैं कि कौन कौन से पैटर्न आपने यूज करना है अपने बच्चे को लिखना सिखाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले इस बुक का नेम जान लेते हैं कि इस बुक का क्या नेम है। इस बुक का नेम है डॉट एंड डैश पैटर्न प्रैक्टिस लेवल 1। इस बुक के अंदर देखते हैं क्या है। इस बुक के फ्रंट पेज पे ही सबसे पहले पैटर्न्स की प्रैक्टिस दी गई है कि कौन कौन से पैटर्न्स हमने बच्चे को सिखाने हैं कि जब बच्चा हमारा स्कूल में जाए और बच्चा बहुत इजीली लेटर्स लिखना सीख जाए। सबसे पहले बच्चों को स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, जिगजैग लाइन, होपिंग लाइन, कर्व्स, सर्कल्स। ये पैटर्न्स हमने रिटन में बच्चे को करवाने हैं कि बच्चा हमारा इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करके बच्चे का जो फिंगर की मूवमेंट है क्रेयॉन्स को पकड़ना वो बहुत इजीली हो जाए कि बच्चा क्रेयॉन्स को पकड़ने लगे। सबसे पहले हमने बच्चों को जब स्टार्ट करना है तो ये नहीं कि बच्चे के हैंड में पेंसिल पकड़ा देनी है। बच्चे के हैंड में कभी भी स्टार्टिंग में पेंसिल नहीं देनी, आपने बच्चे के हैंड में क्रेयॉन्स ही पकड़ाना है। इस बुक की खास बात ये गई है कि सबसे पहले इन्होंने हमारी देखो हैंड बनाया हुआ है और इसमें बच्चे को बता रखा है कि किस तरह बच्चे के हैंड में हमने क्रेयॉन्स को पकड़ाना है, कौन सा वे है, कौन कौन सी फिंगर्स यूज करनी है बच्चे के हैंड में क्रेयॉन्स पकड़ाने के लिए। बच्चे को ये भी बताया गया है कि लूज नहीं रखना अपने, जब क्रेयॉन्स को पकड़ना है तो उसकी जो होल्डिंग है वो लूज नहीं होनी चाहिए। फिर बच्चे को सबसे पहले स्क्रिबल करना सिखाना है आपने। बच्चे को हैंड में क्रेयॉन्स पकड़ा दो और बच्चे को बोलो स्क्रिबल करे। सबसे पहले हमने बच्चे को स्क्रिबल ही करना सिखाना है। फिर बच्चे को हम कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हैं, बच्चे को उस पे कलरिंग करने के लिए देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा कलरिंग करेगा तो बच्चे का जो हैंड है, जो उसकी फिंगर्स है, उसको क्रेयॉन्स को पकड़ने में इतनी ज्यादा अच्छी होगी तो उतना ही जल्दी बच्चा क्या है लिखना सीख जाएगा। इस तरह इस बुक की खास बात यही है कि इस बुक में सबसे पहले स्क्रिबल सिखा रखा है, फिर कलरिंग दी हुई है, फिर बच्चे को इस तरह पैटर्न की प्रैक्टिस दे रखी है कि सबसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइन ही सिखानी है। जिस तरह हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है बच्चे को कि हम बच्चे के लिए इस तरह वर्कशीट बनाकर दे, तो इस बुक के थ्रू क्या है हम बच्चे को इजिली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरह इस बुक में देखो स्टैंडिंग लाइन से रिलेटेड ये वॉल बनाई हुई है कि बच्चा इनपे क्या है लाइन्स चलाए। फिर बच्चों को स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस दी गई है। इस तरह कैंडीज बनाई गई है, पेंसिल्स है, ये स्टेयर्स बनाई हुई है कि बच्चा इनपे क्या करे प्रैक्टिस करे, पेंसिल को चलाना सीखे। फिर इस तरह ही शेप्स है, नेक्स्ट शेप है, स्क्वायर बना रखा है, रिक्टेंगल की प्रैक्टिस दी हुई है, स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस दी गई है बच्चे को। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर हम बच्चों को घर पर लिखना सिखा सकते हैं तो इस बुक के थ्रू हम बच्चे को घर पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं और बच्चा बहुत इजीली क्या है थोड़े से एफर्ट से बच्चा क्या है घर पे लिखना सीख सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये बुक अच्छी लगी है बच्चों को लिखना सिखाने के लिए, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये बुक आपको किस तरह की लगी है।